प्राणी जोन। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे कटहल के पकौड़े। तो देखिए कटहल के पकौड़े बनाने के लिए हमको जो कटहल चाहिए है वो हमको कच्चा कटहल चाहिए है। कटहल को हम लोग जैक फ्रूट बोलते हैं। देखिए जैक फ्रूट कैसा होता है, ये देखिए जैक फ्रूट कुछ इस तरह का होता है और ये थोड़ा पका हुआ है लेकिन हमको कच्चा चाहिए। और क्योंकि जैक फ्रूट को कट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इसीलिए बेटर ये होता है कि जहां से आप जैक फ्रूट खरीदो उससे कटवा करके ही लेकर के आओ। तो सबसे पहले हमने जैक फ्रूट के लंबे लंबे पीसेस जो हैं वो कट कर लिए हैं और अब हम इसको धो करके प्रेशर कुकर में डाल के बॉईल करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हमको ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी ही डालना है और एक या दो सीटी ही लगानी है, उससे ज्यादा सीटी लगाने की जरूरत नहीं है। बस क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है तो इससे बॉईल करने से क्या होता है ये सॉफ्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स जब तक हमारा जैक फ्रूट जो है वो बॉईल हो जाता है तब तक हम लोग जो है उसका बैटर रेडी कर लेते हैं। बैटर को रेडी करने के लिए हमको बेसन चाहिए और थोड़ा सा हम लोगों को राइस फ्लोर भी चाहिए उससे ताकि उससे क्रंची हो जाए। और साथ में हमको चाहिए सॉल्ट, चिली पाउडर, गरम मसाला और बेकिंग सोडा एंड वाटर। तो अभी हम इसको मिक्स करते हैं। हम लोग बैटर बना रहे हैं और साथ में हमारी जो जैक फ्रूट है वो भी रेडी हो रहा है। बस जैक फ्रूट का वेट कर रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स हमारे जैक फ्रूट जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको पानी से बाहर निकाल रहे हैं और इसको हम लोग एक बाउल में डाल लेंगे। और ये देखिए थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, काफी सॉफ्ट हो गया है ये देखिए। तो अब हमारा पकौड़े बनाने के लिए रेडी है ये। ये बहुत जरूरी है इसको सॉफ्ट करना बिकॉज ये काफी हार्ड होता है। तो फ्रेंड्स हमने बैटर में ये थोड़ा सा डाला है तो अभी हम लोग देखते हैं किसके पकौड़े। एक्चुअली इसको हमको सिर्फ बैटर में डिप करके इसको तल देना है बाकी पकौड़ों की तरह।
के गोल्डन ब्राउन कलर के जब तक नहीं हो जाते तब तक हमारे रेडी नहीं है। अभी हम उसे एक बार टर्न कर लेंगे ताकि अच्छे से दोनों साइड से जो है वो पक जाए। देखिए कलर भी चेंज हो गया है, कलर देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं और कितने क्रंची हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप भी ट्राई कीजिए जैक फ्रूट के पकौड़े। बस इसमें दो कंडीशंस याद रखिएगा। पहले तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जब जैक फ्रूट लेके आते हैं तो आप उसको कटवा के लेके आइए, और दूसरा कच्चा जैक फ्रूट होना चाहिए, और तीसरा इसमें इसको बॉइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैक फ्रूट जो है वो बहुत हार्ड होता है और स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको बॉईल करें। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने घर में ये बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने बनाई तो कैसी बनी। चलते चलते फिर वही बात, प्लीज़ अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। याद रखिए हम सबको मिलकर कोरोना को भगाना है। बाय, धन्यवाद।